हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग सही होंगे और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इसका नाम इकोनॉमिक्स इजी है। मैं हूं आपका अपना शिवम और आज हमारी क्लास नंबर 19, जिसके अंदर हमने याद होगा लास्ट क्लास में अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ डिमांड पढ़े थे, प्राइस होते हैं, अदर फैक्टर्स होते हैं, ये सारी चीजें हमारे पास हो चुकी थी। ठीक है, आज हम ये अदर फैक्टर्स के एक एक पॉइंट को डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं। सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे पहला पॉइंट है पीआर, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं पीआर, इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो चलिए चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को पढ़ते हैं। हम अपनी पहले हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग है हमारी, पॉइंट नंबर वन है, दैट इज चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स की प्राइस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है जो आज हमें पढ़ना है। दोस्तों अब आपको बताता हूं रिलेटेड गुड्स कितने टाइप के होते हैं। आपको पता है रिलेटेड गुड्स कितने टाइप के होते हैं? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो मुझे, क्योंकि आप पार्टिसिपेट करते रहा करो तभी आपका मन बनेगा पढ़ाई में। चलो अब बात करते हैं रिलेटेड गुड्स कितने टाइप के होते हैं। तो ध्यान से सुनना, रिलेटेड गुड्स हमारे दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं वो? सबसे पहला आता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। कौन सा आता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, और सेकंड टाइप होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन से गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या होते हैं? अभी हम इनडेप्थ डिस्कशन कर रहे हैं इसी पॉइंट के बारे में, तो पहले हम एक को उठाते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जिनका हम एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं। सोचो अगर मेरा ये पेन जो है वो खत्म हो गया, रिफिल खत्म होगी, तो क्या मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा? नहीं, मैं इसकी जगह पर दूसरा पेन लाऊंगा। ये है जेल पेन, ये है बॉल पेन, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, एक दूसरे की जगह पर क्या हो सकते हैं? यूज हो सकते हैं। मान लो ये पेन भी खत्म हो गया तो मैं क्या करूंगा? थर्ड पेन लेकर आऊंगा। ये क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। यानी वो गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाते हैं जो एक दूसरे की जगह पर जिनका हम यूज कर सकते हो, दैट गुड्स आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक बात सोचो, आपके घर मेहमान आए हैं और मेहमान गर्मियों में आए हैं, तो आप उनसे क्या पूछोगे? ठंडा गर्म? आप क्या लोगे भैया? ठंडा ही लोगे। ठंडे में क्या लोगे? कोक लोगे? वो कहेंगे नहीं यार, कोक नहीं है, हम थम्सअप लेंगे। अब आप मार्केट में गए थम्सअप लेने, पता लगे थम्सअप नहीं मिला और घर वापस आ गए और मेहमानों को बोला देखो आज तो आपको ना भूखा पेट जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि थम्सअप मार्केट में है नहीं। अरे पागल इंसान, मेहमान तुम्हारे घर आया ही है खाना खाने, वो सब कुछ खाने पीने के लिए, तो थम्सअप नहीं मिला तो क्या उसे कुछ पिलाओगे? नहीं तो आप सेवन अप ले आओगे, आप पेप्सी ले आओगे, आप कोक ले आओगे। वो क्या होंगे? वो इनके सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे। क्योंकि अगर एक चीज नहीं मिली तो ऐसा थोड़ी आप छोड़ दोगे, आप उसकी जगह दूसरे गुड्स का यूज करोगे। और इस टाइप के गुड्स को हम क्या नाम देते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो आपको समझ आया, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पर यूज किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूट गुड्स के मीनिंग की, यानी डेफिनेशन की, तो इसका मीनिंग बहुत ही क्लियर कट होता है। वो क्या बोलते हैं? इट रेफर्स टू दोज गुड्स, इट रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड, इट रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स, व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स, इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स। ये दूसरे गुड्स की जगह पर यूज किए जाते हैं और ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। अब बताओ सब्स्टिट्यूट गुड्स के हम अगर एग्जाम्पल्स देना चाहें तो क्या क्या एग्जाम्पल्स देंगे? आप लोग बता सकते हो एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? जैसे कि जेल पेन और बॉल पेन, जेल पेन एंड बॉल पेन इज द एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब हम बात करते हैं आईफोन। भाई देखो अभी आप कंपनी के एंड्रॉइड वर्जन पे मत जाना, एंड्रॉइड है या आईओएस है। अब ये मान के चलो कि हम फोन का यूज कॉल के लिए, व्हाट्सएप के लिए करते हैं, आईफोन और नॉर्मल एंड्रॉइड फोन, एंड्रॉइड फोन ये क्या है आपस में? सब्स्टिट्यूट है। आईफोन नहीं मिला, मैंने एंड्रॉइड ले लिया। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हो सकते हैं इसमें? टी एंड कॉफी। अगर आपके घर कोई आए मेहमान तो बेचारा वो खाने पीने ही तो आया आपके घर, अगर चाय नहीं पीता तो क्या पिलाओगे? नहीं तो कॉफी पिलाओगे, है ना? बात समझ आई बात आपको? टी और कॉफी हो गया। ऐसे तो आपके कई सारे एग्जांपल्स इसके अंदर बन जाएंगे, हम एग्जांपल्स के बारे में बात नहीं करेंगे। और मैं आपको वैसे बता देता हूँ और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसमें। इसमें आपके एग्जांपल हो जाएंगे लाइक जेल पेन बॉल पेन हो गया, आईफोन एंड्रॉइड हो गया, टी एंड कॉफी हो गया, कोक एंड पेप्सी, कोक एंड पेप्सी भी इसका एग्जांपल हो सकता है। कोक है
या फिर पेप्सी है। अच्छा ये दोनों दोनों ब्लैक होती हैं, कोक एंड पेप्सी। सेवन अप व्हाइट कलर की होती है, तो आप इसके साथ एग्जांपल ले सकते हो स्प्राइट का, सेवन अप एंड स्प्राइट। तो दोस्तों आई थिंक इतना आपके लिए सफिशियंट एग्जांपल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके शेड्यूल की। मेन चीज तो उसका स्केड्यूल्ड है, वो स्केड्यूल्ड कैसे बनता है वो ध्यान देना। ये एग्जाम में नहीं बनाना ये वाला स्केड्यूल, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ, फिर बताऊंगा एग्जाम में कौन सा बनाना है। अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं टी का और कॉफी का। किस किस का ले लेते हैं? टी का और कॉफी का। ध्यान देना, टी और कॉफी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहां पर हम बात करेंगे टी की प्राइस की और टी के डिमांड की। ये देखो, ये टी का प्राइस है और ये टी की डिमांड है। यहां पर हम बात करेंगे कॉफी की प्राइस की और कॉफी की डिमांड की, ठीक है। अच्छा एक बात सोचो, वो बात क्या सोचनी है आपको? वो ये सोचना है कि मान लो एक रोड के किनारे मेरी टी की स्टॉल है, टी की स्टॉल है, और मैं 10 रुपए पर कप के हिसाब से चाय बनाता हूं। मेरे पास एक दिन में 100 कप चाय बिक जाती है। कितने कप चाय बिक जाती है? 100 कप। रोड के उस पार कॉफी बनाने वाला है, जो कॉफी बेचता है, उसकी कॉफी है 20 रुपए की, और उसके यहाँ पर सिर्फ 50 ग्राहक ही आ पाते हैं पूरे दिन के अंदर। कितने ग्राहक आ पाते हैं? 50 कस्टमर्स आ पाते हैं। बोलो क्लियर हुआ? अचानक से क्या हुआ कि जब मैं घर गया तो मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा एक बात बताओ, तुम 10 रुपए की चाय बेच रहे हो, इतनी महंगाई में कैसे तुम अपना घर चला पाते हो? तो तुम अपने चाय के रेट क्या करो, बढ़ाओ, क्योंकि महंगाई क्या हुई है, बढ़ गई है। मैंने कहा मम्मी आप बात तो सही कह रहे हो। तो उनकी बातों में आकर मैंने चाय के रेट क्या कर दिए, मैंने चाय के रेट बढ़ा दिए। 10 रुपए वाली चाय के रेट बढ़ाकर मैंने कर दिया 20 रुपए। दोस्तों पता है क्या दिक्कत हुई? जैसे ही मैंने 20 रुपए कप किया, कस्टमर्स को लगा यार चाय तो महंगी हो गई है, तो अल्टीमेटली जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बोलो बात समझ आ रही? डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन रोड पार जो कॉफी बेच रहा है उसने अपनी प्राइस के साथ कोई चेंजेस नहीं किए, उसकी प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने के बावजूद अब जो यहाँ का मेरा जो कस्टमर था वो टूट के कहाँ चला जाएगा? कॉफी पीने। एक कस्टमर ये सोचता है कि 20 रुपए की चाय खरीदने से तो बेटर मैं कॉफी ना पी लूं, तो अचानक से कॉफी जो है, कॉफी की शॉप पर कस्टमर्स बढ़ गए, और अब उसकी 50 से बढ़कर कितने कप कॉफी बिक रही है? 100 कप। यानी भैया कॉफी वाले की डिमांड तो फ्री फंड में बढ़ गई। कॉफी वाले की डिमांड क्यों बढ़ गई है? देखो क्या कॉफी वाले ने रेट कम किए? नहीं, रेट क्या है? कांस्टेंट है। रेट क्या है? कांस्टेंट है। फिर भी डिमांड बढ़ गई क्योंकि कॉफी का जो सब्स्टिट्यूट था उसने अपने प्राइस बढ़ा लिए। कॉफी का जो सब्स्टिट्यूट था उसने अपने प्राइस क्या करिए? बढ़ा लिए। जिस वजह से कॉफी की डिमांड क्या हो गई है? बढ़ गई है। आपको याद है ये जो हम पढ़ रहे हैं चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये अदर फैक्टर्स हैं, और अदर फैक्टर की अजम्पशन क्या होती थी? प्राइस विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो देखो यहां पर प्राइस क्या हमारा कॉन्स्टेंट है, कंफ्यूज मत होना। ये देखो प्राइस क्या लिखा है? कॉन्स्टेंट। हम एग्जाम में ये शेड्यूल नहीं बनाते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। हम जो एग्जाम में शेड्यूल बनाते हैं वो बनाएंगे प्राइस का और डिमांड का। ये है आपकी प्राइस और ये है आपकी डिमांड। लेकिन याद रखना, प्राइस लेंगे एक चीज की और डिमांड लेंगे दूसरी चीज की। जैसे कि हम अपने एग्जाम्पल में ले रहे हैं, प्राइस हम लेंगे टी की और डिमांड लेंगे कॉफी की। याद रखना, प्राइस किसकी ले रहे हैं? टी की, और डिमांड किसकी ले रहे हैं? कॉफी की। तो अब ऊपर से चुरा लो आइटम्स। ये बताओ टी के प्राइस कितने थे? 10 से 20 रुपीज, 10 से 20। टी की प्राइस बढ़ने पर कॉफी की डिमांड क्या हो गई थी? बढ़ गई थी 50 से 100। याद रखना दोस्तों, अगर मैं आपको ये शेड्यूल समझाता ना सीधा तो आपके समझ में नहीं आता। इसको समझाने के लिए मैंने ये शेड्यूल बनाया। ये आपको बनाना नहीं, आप क्रॉस कर दो, एक तरह से मैं नहीं करूंगा लेकिन आप क्रॉस कर दो। ये सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम में आपको ये शेड्यूल बनाना है, प्राइस और डिमांड। प्राइस किसी और चीज की, डिमांड किसी और चीज का, क्योंकि केस सब्स्टिट्यूट हम पढ़ रहे हैं इस वजह से। अब एक बात, पंडितगिरी। पंडितगिरी का मतलब है मेरी हाथों की रेखा देखकर बता दो मेरा भविष्य क्या है। इसी तरीके से शेड्यूल देखकर बता दो इसका डायग्राम कैसा बनेगा। तो आप लोगों को मैंने पंडितगिरी सिखाई है ना, वो पंडितगिरी क्या थी बताओ? जब दो वेरिएबल्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, और जब दो वेरिएबल में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, दोनों अप या दोनों डाउन, तो कैसा बनता है? कर अपवर्ड स्लोपिंग। तो इसमें कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। इसे डायग्राम कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। तो चेक करें अपवर्ड स्लोपिंग पंडित की, देखते हैं, चेक करते हैं क्या पंडित ने जो भविष्यवाणी दी वो सही भी दी है या नहीं दी है। ये एक्स एक्सिस है, ये जीरो एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर आप जानते हो ना प्राइस आती है, और एक्स एक्सिस पर क्या होती है? क्वांटिटी, जो कि यूनिट्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो प्राइस हमारी 10 और 20, राइट। डिमांड है हमारी 50 और फिर है 100। 10 पे कितना है? 50। 10 पे 50 ये रहा, 20 पे 100 ये रहा। ये देखो पंडित ने बिल्कुल सही बोला था, डायग्राम कैसा बनेगा?
अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जो आपका डायग्राम होता है वो कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। बोलो क्लियर हुई बात, मैं एक बार फिर से समझा दूं। देखो कॉफी डिमांड बढ़ी क्योंकि प्राइस क्या थे, कॉफी के सेम थे, बट कॉफी का जो सब्स्टिट्यूट था उस समय प्राइस बढ़ा गई, इसलिए कॉफी डिमांड बढ़ गई। दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग है। दिस इज ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूट गुड्स। बोलो सब्स्टिट्यूट समझ आया। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं जो एक दूसरे के साथ यूज किए जाते हैं। तो हम लिखेंगे इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर to satisfy a particular wants, जो आपकी wants को, एक particular wants को satisfy करे, वो कहलाती है आपकी complementary goods। लेकिन मुझे पता है आपको समझ नहीं आया क्योंकि आप तो बच्चे दिल के सच्चे, इस वजह से आपको ये समझ नहीं आया। मैं आपको समझाता हूँ क्या केस है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, ये देखो पेन का जरा मैं पोस्टमार्टम कर देता हूँ, ये पेन है ठीक है। अब मुझे आप एक चीज बताओगे, ये पेन का खाली, ये पेन की खाली बॉडी है राइट, ये पेन की खाली बॉडी है और ये इंक है। दोस्तों ये पेन अकेला क्या करेगा जब तक इसकी साउल, इसकी आत्मा इसके साथ नहीं होगी, बताओ कुछ कर पाएगी? और खाली इंक क्या कर पाएगी, इससे आप लिख थोड़ी पाओगे सही तरीके से, इससे आप लिख थोड़ी पाओगे सही तरीके से, तो खाली इंक भी बेकार है। दोस्तों जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बनते हैं। बोलो समझ आए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बिना काम में नहीं आ सकते, जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे तभी हम उनका क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, और ऐसे गुड्स क्या कहलाते हैं हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बोलो आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स समझ आया क्या गुड्स होते हैं। तो वही लिखा हुआ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ ही हम अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास जो, जब मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो मेरे पास मार्कर होती है और इंक होती है। तो आप अगर सोचो सिर्फ मार्कर है तो क्या मैं मार्कर से लिख सकता हूँ, नहीं। जब तक मार्कर में उसकी इंक नहीं होगी तब तक मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो मार्कर और इंक क्या है बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। दोनों एक दूसरे के साथ यूज किए जाएंगे तब आप उसको वांट्स की सेटिस्फाई करवा पाओगे अपनी, वरना नहीं करवा पाओगे। सोचो फोन और बैटरी, सिर्फ फोन है तो काम नहीं चलेगा और सिर्फ बैटरी है तो काम नहीं चलेगा, दोनों एक साथ मिलेंगे तब आप उसका यूज कर पाओगे, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करवा पाओगे। शूज एंड शॉक्स, अगर खाली शूज है तो नहीं पहन पाओगे, खाली शॉक्स है तो नहीं पहन पाओगे, दोनों एक साथ होंगे तभी आप उन्हें पहन पाओगे। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है कार एंड पेट्रोल। दोस्तों सिर्फ पेट्रोल है तो आप नहीं भाग पाओगे, सिर्फ कार है तो नहीं भाग पाओगे, जब दोनों एक दूसरे के साथ काम आएंगे तब आप उनका यूज करवा पाओगे। तो इसीलिए लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड विद ईच टुगेदर, जो दोनों एक दूसरे के साथ यूज करते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, कार एंड पेट्रोल। कार अकेली क्या करेगी जब तक उसके अंदर पेट्रोल नहीं हो, पेट्रोल अकेला क्या करेगा जब तक उसमें कार नहीं होगी, ठीक है। शूज एंड शॉक्स, बैटरी एंड फोन। फोन है लेकिन बैटरी नहीं है तो बेकार है, बैटरी एंड सेल फोन। बोलो क्लियर हुआ। पेन एंड इंक, पेन है लेकिन इंक नहीं है तो क्या फायदा, ठीक है। और क्या क्या एग्जांपल लोगे आप ले सकते हो इसमें, और एग्जांपल क्या लोगे बताओ आप, एग्जांपल के तौर पे ले लो कि आपकी बटन है लेकिन शर्ट नहीं है, शर्ट एंड बटन दोनों होने जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हो, आप खुद देख लेना क्या क्या एग्जांपल और हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इसके एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं इसके शेड्यूल की। दोस्तों शेड्यूल अभी समझाने के लिए बना रहा हूं, आप समझ गए होंगे ये भी रफ वाला शेड्यूल है सिर्फ समझाने के पर्पज से। तो हम इसमें लेंगे अपने पास दो चीजें, एक तो लेंगे हम पेट्रोल और एक लेंगे हम अपने पास कार। हम पेट्रोल की भी क्या बनाएंगे, प्राइस और डिमांड। हम पेट्रोल की भी क्या बनाएंगे, प्राइस और डिमांड। हम कार की भी क्या बनाएंगे, प्राइस और डिमांड। क्लियर है, अब सुना ध्यान से। क्या होता है दोस्तों, जब पेट्रोल 50 रुपए लीटर था तो आप 5 लीटर पेट्रोल परचेज किया करते थे, कितने लीटर, 5 लीटर।
और उस टाइम आपने सोचा क्यों ना हम स्विफ्ट कार परचेज करें, और स्विफ्ट कार मार्केट में थी 8 लाख रुपए की, ऑन रोड आपको मिलती थी 8 लाख रुपए की। आपने सोचा था यार पेट्रोल महंगा सस्ता है ना, तो हम दो कारें खरीदेंगे। कितनी कार खरीदेंगे? दो कार, क्योंकि पेट्रोल बड़ा सस्ता है। बट क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो क्या हुई, आसमान छूने लगी। पेट्रोल अचानक से बढ़ गया, 50 रुपीज से बढ़कर हो गया 100 रुपीज। ओ माई गॉड, अब तो लग रहा है पैदल ही चलना पड़ेगा या पद्दी पद्दी खेलना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ कि वहां तक छोड़ मुझे पीछे अपने पद्दी पे, ठीक है। तो क्या होगा, पेट्रोल की प्राइस बढ़े तो अल्टीमेटली जो पेट्रोल की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोलो क्लियर है, सीधी सी बात है, कोई रटवा तो रहा नहीं हो आपको। कार अभी भी कितने की है, 8 लाख रुपए की है। कार की कीमत में कोई चेंज नहीं है, द प्राइस ऑफ कार विल बीन कॉन्स्टेंट। लेकिन जो लोग कार खरीदने की सोच रहे थे दो, अब उन्होंने अपनी कार की डिमांड कम कर दी। बताओ क्या कार की डिमांड इसलिए कम हुई कि कार की जो प्राइस है वो बढ़ गए? नो दोस्तों, कार की डिमांड इसलिए कम हुई है क्योंकि कार को चलाने वाला जो फैक्टर होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, वो क्या हो गया है, महंगा हो गया, जिसके चलते लोगों ने कारों की डिमांड कम कर दी है। आप मेरी बात समझ रहे हो, कार की देखो प्राइस क्या है, कॉन्स्टेंट है, यही हमारी बेसिक असम्पशन थी ना, प्राइस क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, फिर भी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए हैं। बोलो, इतनी बात आपको समझ आई है? तो अब जब हम इसका शेड्यूल बनाएंगे तो उसमें जो प्राइस होगा और जो डिमांड होगा वो दो अलग अलग चीजों का होगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। बताओ प्राइस मैं किसके लूंगा, फिर प्राइस किस चीज के लूं, पेट्रोल के, प्राइस मैं लूंगा पेट्रोल का, और डिमांड किसकी लूंगी, लूंगा कार की, ठीक है। तो अब बताओ पेट्रोल के प्राइस कितने थे, 50 से 100, ऊपर से चुरा लो 50 से 100, पेट्रोल के प्राइस बढ़े थे जिसके चलते कार की डिमांड क्या हो गई थी, कम हो गई थी, 2 यूनिट से 1 यूनिट हो गई थी, कार की डिमांड क्या हो गई थी, कम हो गई थी। अब पंडित गिरी बताओ, हमारा मेन शेड्यूल ये है, ये नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए, क्रॉस कर सकते हो आप लोग इसे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि दोनों में कैसा रिलेशन है, वेरी गुड, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो पंडित गिरी बताओ, पंडित गिरी क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप वाले डायग्राम कैसे बनते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनते हैं। तो जब हम इसका कर्व बनाएंगे तो देखना कर्व इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये लो एक्स एक्सिस, जीरो एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर क्या आता है आपका, प्राइस आता है,